ध्यान से देखो, क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानते? ओ पटोलिया, तुम डाउट कर रही है मुझ पे? और मेरा भी करेक्टर है। अवनीत जोगी अरोड़ा। अपने अवनीत को भूल गए? माय गॉड, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तू है। ओ हाँ भाई, अगर तुम्हारे भरत मिलाप हो गया तो मेरा नुकसान। इतना तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी होना चाहिए। काफी? हाय ओए, ओ बहुत ज्यादा है। ओए बबे, ओए इनकी जमीर की कीमत तो इतनी भी नहीं है। ओ इतने में तो ये बंदा ही पागल हो जाएगा। ओ इतने पैसे क्यों दे रही है तू अवनीत? क्योंकि अवनीत ना कभी किसी का एहसान लेती है ना करती है। इतनी अमीर लड़की, इतनी एटीट्यूड वाली, तबेले में क्यों आई है? तबेले से इसे क्या मिलेगा? जोगी, अवनीत पुत्र, जी नमस्ते बेटी, खुश रहे, जीती रहे। कुछ जरूरी बात करनी तुमसे अकेले में। मुझसे अकेले में? चले।
ध्यान से देखो, क्या तुम वाकई मुझे नहीं जानते? ओ पटोलिया, तुम डाउट कर रही हो मुझ पे? और मेरा भी करेक्टर है। अवनीत जोगी अरोड़ा। अपनी अवनीत को भूल गए? माय गॉड, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तू है। ओ हाँ भाई, अगर तुम्हारे भरत मिलाप हो गया तो मेरा नुकसान। इतना तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी होना चाहिए। काफी? हाय ओए, ओ बहुत ज्यादा है। ओए ब, 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 ओ इनकी जमीर की कीमत तो इतनी भी नहीं है। ओ इतने में तो ये बंदा ही पागल हो जाएगा। ओ इतने पैसे क्यों दे रही है तू अवनीत? क्योंकि अवनीत ना कभी किसी का एहसान लेती है ना करती है। इतनी अमीर लड़की, इतनी एटीट्यूड वाली, तबेले में क्यों आई है? तबेले से इसे क्या मिलेगा? जोगी, अवनीत पुत्र, जी नमस्ते बेटी, खुश रह, जीती रहे। कुछ जरूरी बात करनी तुमसे अकेले में। मुझसे अकेले में? चले।
क्या तरीका है अवनीत, सही या गलत तरीके से तुमने तो वो घर हथिया लिया, लेकिन क्या एक बारी भी सोचा तुमने कि उस घर में रहने वाले लोगों का क्या होगा? कितनी लोगों की यादें हैं उधर, जिंदगी बसाई उन्होंने, और तुमने एक झटके में वो घर हथिया के सब कुछ छीन लिया उनसे। तुम्हें तो घर मिल गया आपके, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन का क्या? वो तो बेघर हो गए ना। बस माई, अवनीत से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, मेहमान है वो इस घर की। बेबी अब माही की बात चुप। जो जो इसने किया ना वो तुझे करना चाहिए था, पर नहीं, तू तो ससुराल में रह के भी अपने मायके वालों के लिए जीती रही। कितनी लड़ाइयां हुई हैं इस घर में, जब से वो पप्पू यहाँ पे आया था ना, 24 घंटे हमारे सर पे तलवार लटकती रहती थी कि पता नहीं कब ये घर छोड़ना पड़े। कभी गुंडे भेज देता था, कभी कोई चाल, लड़ लड़के ना थक गए थे हम। बरसों बाद हमें चैन की सांस आई है, दिल में जो डर था ना बहुत दिनों बाद निकला है, और जो काम मेरी बहू को करना चाहिए था वो मेरी बेटी ने किया। इसने तो मुसीबत को जड़ से मिटा दिया। और अगर तू ये काम करती ना तो आज मैं तेरी बलाएं ले रही होती। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तुझे उनका घर खाली करवा देना चाहिए था, पर तुझे अपने ससुराल का बन के रहना चाहिए था, अपने पति का साथ देती। अच्छी बेटी तो बनी गई थी ना, अच्छी बहू भी बनना चाहिए था। बस करो बेबी, आप गुस्से में कुछ चुप कर जोगी। इतने सालों में हम पे क्या बीती है ना तू नहीं जानता। अगर जानता होता ना तो पता होता कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है। बताओ बीजी, शेरनी की तरह दुनिया के सामने लड़ती रही हम, पर अंदर से तो डर ही लगता था ना कि भगवान ना करे पप्पू कोई ऐसे गुंडे ऐसा पहलवान भेज दे जिसका सामना ही ना कर पाए हम, तो क्या करेंगे? पप्पू जैसे आदमी से लोहा लेना तो औरतों के बस की बात नहीं थी बीजी। खुशियां मनाने वाले दिनों में दुख को याद नहीं करते। तो फिर चले आपके अपने नए घर। चले अपने घर में आने के लिए इनविटेशन ही मिलेगा।
ओए कुरमुरी, तू यहां क्या कर रही है? इंतजार। ये सब हो गया हो तो चले। हाँ हाँ यार, हम भी बस आने वाले थे, कर कर खेलने लग गए। चल यार चले। जितने पैसों में तुम पप्पू जीजू का घर खरीद सकती थी, तुमने उतने पैसों में उसे किराए पे लिया। ऐसा क्यों अवनीत? हाँ यार कुरबुरी, मैं तो हैरानी हो गया। बचपन से मैथ्स में स्कॉलर हूँ, तुम शायद भूल गए। जिंदगी में जो करती हूँ कैलकुलेट करके करती हूँ, इसलिए रिजल्ट वो आता है जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारा यार नहीं मन गए। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पप्पू जीजू को इतने पैसे दिए तो उस घर को खरीदा क्यों नहीं, किराए पे क्यों लिया? क्योंकि वो घर जोगी खरीदेगा। और पप्पू को दिया चैलेंज पूरा करेगा, मुझे पूरा यकीन है। एक सीक्रेट बताऊं सांडू साहब? आपकी इस कोठी को ना मैं खरीदने वाला हूं। काम जो भी करेगा लेकिन मैं उसका साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। और इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी। बचपन में जब सब मुझे मोटी और चश्मिश कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे तो सिर्फ जोगी था उन सबका मुंह बंद कर देता था। जोगी मेरा खास दोस्त है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जोगी मेरा खास दोस्त है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बोलो बीजी, मैंने कहती थी कि अपने जोगी के लिए अवनीत माई से बेहतर जीवन साथी है कि नहीं? क्यों यार, माना तो माई को पसंद नहीं करती, पर ये बात मत भूल जोगी और माई एक दूसरे के लिए बने हैं। और ये सब ना सिर्फ किताबों में होता है, ख्यालों की बुनियाद पर ना घर खड़े नहीं होते। बीजी तू अच्छी तरह से जानती है जोकी को खड़ा करने में माही का बहुत बड़ा हाथ है। और कैसे? अपनी उंगलियों पर नचा के, अपनी मर्जी चला के। देखो बीजी, मैं अपने पुत्र के लिए ना ऐसी लड़की चाहती हूँ जो उसका साथ दे, अपने पीछे पीछे ना घुमाए उसे। क्या चाहती है तू है? अलग कर देना चाहती है दोनों को? क्या चाहती है कि दोनों का तलाक हो जाए? देख रूपा, आंख से मत खेलो। पीजी सही कह रही है,
क्योंकि आग से खेलना मेरा काम है। ये आग और पटाखों से खेलने की बात क्यों हो रही है? दिवाली तो बड़ी दूर है। चली बातें करता है तू भी। और चली बातें तो आप कर रहे हो। ओ घर मिल गया उसके बाद भी यहाँ खड़े होके गप्पे मार रहे हो। चलो जल्दी आ जाओ शेती। चलो बीजी। रात हम दोनों के लिए स्पेशल बनाना चाहती थी, फिर सोचा बेस्ट तरीका क्या है। बस एक ही है कि हम हमारे बचपन को हमारी जवानी में लें। हाँ यार, मतलब तूने ना कैरी डाल दिया एकदम। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, लॉटरी लग गई मेरी। कैंडी अब भी बचपन की तरह खाते हैं। ओ मजे ही आ गया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे तो और कहर ढाने वाली। यार पर वो तू मुझे उधार मांग कर आएगी ना माही से? बातें करनी थी, बात तो करूं। तो बताओ हर उस पल के बारे में जो मैंने मिस किया। हर पल? अब यार मेरा तो हर रोज ही सेम होता है, मतलब कुछ खास होता ही नहीं। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, है वो एलएसडी का दूध निकालता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं उठ के वो बिब्बे और माही की चटके भी खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अभी उठ के मैं वर्जिश भी करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। कभी कभी माही और बिब्बे की ना वो खटपट हो जाती है, वो सास बहू का ड्रामा, तो उनकी सुलह भी कराता हूँ, अब फिर मैं सो जाता हूँ। पर मेरी इन फालतू बातों को तू तेरे ध्यान से क्यों सुन रही है? क्योंकि तुमसे जुड़ी कोई भी बात फालतू हो ही नहीं सकती। तुझे पता तेरी जगह माही होती ना तो माही ने कहना था कि चुप कर जा, दिमाग मत खा, दफा हो जा। जोगी की जिंदगी में जो जगह अवनीत की है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। हाँ मतलब मतलब छोड़ो, तुम बताओ कैसा मिला था?
माही से। की कसम खाता हूं, करता हूं मैं। आई लव यू। बहुत बड़ा टाइम हो गया, मैं ना अब चलता हूं। अगर मैं नहीं गया ना तो माही ने सोना नहीं है यार। अगर मैं तुम्हें यहीं कैद करके रख लूं तो ओ हम बच्चे नहीं रहे हैं। और वैसे भी तू तो इतनी स्लिम ट्रिम हो गई है, मैंने फूंक मारनी है और तुमने उड़ जाना है। चल मैं चलता हूं। ओके टाटा बाय बाय। जो ताकत यहां होती है उसके सामने ये ताकत तो कुछ भी नहीं। अब तू भी इसके गाने के पीछे पड़ गई है। माही ने तेरा भी दिमाग खराब कर दिया क्या? एक गल सुन ले अपनी पुत्र, जोगी गाना नहीं गाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे। एक काम करते हैं, जोगी का क्रियाक्रम कर ही देते हैं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? जोगी की हर सांस में संगीत बसा है। संगीत नहीं तो जोगी भी नहीं। मैं जानती हूं आप बहुत प्यार करती हैं जोगी से, इसीलिए नसीहत दे रही हूं। इससे पहले जोगी आपको दोषी माने, हां कर दीजिए। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेबे। वो मैं कह चुका हूं मैं गाना नहीं गाऊंगा, अपनी मर्जी से कहा है मैंने। एक बार गलती कर चुका हूं, अब बार बार वो गलती नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी गलती तो सुधारने आई हूं जोगी। गाना तो तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने भी जब एक बार कह दिया ना कि मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मतलब नहीं गाऊंगा। जहां तक मैं जानती हूं माही भी यही चाहती है ना कि जोगी गाना गाए। क्यों माही? मेरे लाख कहने से तो नहीं माना, किसी और के कहने से क्यों मानेगा? जोगी अगर तुमने गाना छोड़ा तो माँ ही तुम्हें छोड़ देगी। क्यों माही? छोड़ दोगी ना जोगी को? ओ माही नहीं छोड़ने वाली जोगी को। मैं जबरदस्ती भी कर दूंगा ना, छोड़ने को भी कहूंगा तो भी नहीं छोड़ेगी।
तो इसलिए गाने पे ध्यान छोड़ो, खाना खाओ। और किसी बात के लिए मुझे माही नहीं मना भाई, वो किसी और के गाने पे मैं खाक मानूंगा। गाना तो तुम्हें गाना पड़ेगा जोगी, अगर माही के कहने पर नहीं तो मेरे कहने पर। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे जोगी, मैं सांस नहीं लूंगी। क्या क्या नहीं लूंगी? चलो खाना खाओ यार। अवनीत पुत्र, हाथ नीचे कर ले पुत्र, खाना खा ले, रहन दे। अवनीत मजाक ना कर, चल खाना खा ले। मर जाएगी छोरी, हाथ उठा ले। अवनीत, अवनीत बस कर। ओ कुरमरी हट जा, चल। अवनीत हाथ दे। ओ मर जाएगी। तुम खाना खाओगे ना? हाँ मेरी माँ, गाऊंगा गाना। So you are Avneet? Interesting. मैं अर्जुन राय। My fiance, अरबपति, जो बहुत जल्द मेरा होने वाला पति है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कार में घुसने की? चल बाहर निकल। चंदे लेके आई होगी इसे, धक्के मार के निकाला ना उसे, तो ले आई इसको हमें डराने धमकाने घर से बाहर निकलवाने। ये घर चंदा का है और मैं इसे वापस लेने आया हूँ। डोंट वरी, हाँ जितनी कीमत तुमने चुकाई है ना उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगा। तो बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? ओए, संभाल संभाल के बात कर, समझा? ओके, आई एम स्केयर्ड। जबान चीज ही ऐसी होती है, कहीं भी फिसल जाती। ओए बंदा बन जा, नहीं तो ना जुबान खींच लूंगा और मुंह तोड़ दूंगा। जोगी, वो तुझे जानबूझ के उकसा रहा था कि तू लड़े उससे, उसकी चाल में मत फंस। और तुम इतनी बार मार खा के सबक नहीं मिला तुम्हें, जो फिर से मार खाने आ गए कि अब तुम्हारे मुंह लगना ना हमारी शान के खिलाफ। इस घर में पहले वो लोग रहते थे जो तुम्हारा पैसा देके तुम्हारे तलवे चाटते थे, अब इस घर में तुम्हारा कोई नहीं। चुपचाप दफा हो जाओ यहां से। कोई कैसे नहीं है, तुम हो ना मेरी गर्लफ्रेंड। और तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी बड़ा घर है, मेरी हवेली।
तुम एक बार हाँ कह दो, मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा। एक हजार एक बार तेरी 76 परेड कर चुका हूं, पर तू नहीं सुधरा। तेरी इस छिछोरी हरकतों को ना अच्छे से समझ गए हम। तू मुझे उकसाना चाहता है, तू लड़ना चाहता है। पर नहीं पुत, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें सुकून चाहिए। और अब ना एक आखिरी बार मेरी शांति से बात सुन ले और समझ ले। दरवाजा उधर है, चुपचाप बाहर निकल जा। जस्ट शट अप। कवार कहीं का, मैं यहां तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं। मैं यहां इस बॉम्बशेल से मिलने आया हूं। तो बताओ अवनीत, मुंह मांगी कीमत दूंगा। ओ तेरी स्टॉप। जोगी, जोगी। की ओर बढ़ेंगे, मैं उन कदमों को तोड़ दूंगी और जो हाथ चौकी पर उठेगा ऐसी हालत करूंगी कि तुम्हारी बदकिस्मती भी तुम पर तरस खाएगी। No.